हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टेक्नो फोन में लैंग्वेज सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज चेंज और यहाँ कीवर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज कैसे ऐड कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक पर आज हम बात करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर मैं आपको लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज चेंज करना और यहाँ पर कीवर्ड में जो हम यहाँ पर टाइप करते हैं वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, उन सारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाले हैं। वो आपके फ़ोन में अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से आप देखकर अपने फ़ोन में कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा ही मेरे चैनल पर आता ही रहता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है लैंग्वेज सेटिंग करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ पर फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर स्लाइड डाउन करना है आपको, तो यहाँ से सबसे नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर एक सिस्टम, फ़ोन सिस्टम करके एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो इस वाले फ़ोन सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ही हम चले जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहला नंबर में ही आपको लैंग्वेज एंड इनपुट करके एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ लैंग्वेज इनपुट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में ही हमारा एक लैंग्वेज करके एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है, लैंग्वेज वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ही मेरे फ़ोन में एक फर्स्ट नंबर में आपको इंग्लिश दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट, और सेकेंड में हिंदी दिख रहा है, और थ्री में चाइनीज़ भाषा है। तो इस तरह से हमारे फ़ोन में तीन भाषा को मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पर, ऑलरेडी मैंने तीन भाषा को ऐड कर रखा है। अगर आपका कोई और रीजनल लैंग्वेज है, कुछ और है, बंगाली है, मराठी है या कोई भी भाषा है आपका, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इस कोई भी अपने भाषा को ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक करके, और यहाँ से आप देख सकते हैं मराठी, गुजराती, बहुत सारे भाषा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इंडोनेशियन, कुवैती, क्या क्या बहुत सारे भाषा है वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी भाषा को ऐड करना है उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मराठी पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो भाषा यहाँ पर ऐड हो चुका है चार नंबर में। और अब आपको जो भी भाषा को आपको फ़ोन का लैंग्वेज सेट करना है यहाँ पर, कि आपका फ़ोन का लैंग्वेज वही लैंग्वेज हो जो आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको हिंदी को सेव करने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन पर टैप करना है, और टैप करके इसको आपको ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा हिंदी भाषा पर भाषा विविधता करके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा हिंदी में आ चुका है। तो इस तरह से आप हिंदी में कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अब आपको इसको वापस से इंग्लिश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं रखना अपने फ़ोन में। तो इस तरह से मैंने वापस से इसे इंग्लिश कर दिया, और यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। और अब बात करते हैं यहाँ पर कीवर्ड का। तो कीवर्ड के लिए यहाँ पर आपको दो तरह के कीवर्ड दिए हुए हैं, वर्चुअल कीवर्ड और फिजिकल कीवर्ड। यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड में अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल जीवर्ड को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड है, तो मैंने यहाँ पर गूगल जीवर्ड को इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको मैं यहाँ पर आप दिखा देना चाहूँगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ अपने गूगल में कुछ टाइपिंग करने के लिए, और टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करने जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज दिख रहा है। और यहाँ पर जो टाइपिंग जो कीवर्ड है वो अभी मेरे फ़ोन का जो कीका कीवर्ड दिया हुआ है वही है। तो यहाँ से मैं इसे गूगल कीवर्ड में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे गूगल वाले पर यहाँ पर टैप कर लूँगा जी बोर्ड पर। तो यहाँ पर जी बोर्ड पर मैंने जैसे ही क्लिक कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड मेरा यहाँ पर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर चेंज होने के बाद अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको एक गोल आइकन दिख रहा होगा यहाँ पर वर्ल्ड का, तो इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में हो चुका है, यहाँ पर इंग्लिश है, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी टाइप करूँगा उसका हिंदी में यहाँ निकल कर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हिंदी करने के बाद मैं वापस एक बार और टाइप करूँगा तो यहाँ पर फिर से इंग्लिश आ चुका है। तो आप जो भी लैंग्वेज को यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर ये लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कीवर्ड में ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आप इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।